स्टार प्लस के द मोस्ट पॉपुलर शो अनुपमा में हुई है एवरग्रीन मिथुन चक्रवर्ती की एंट्री। आप सभी यही सोच रहे होंगे कि क्या फिर एक बार अनुपमा अपनी सौतन के ससुर के साथ रोमांस करती दिखेंगी। आपको बता दें, मिथुन चक्रवर्ती रिसेंटली अनुपमा शो के सेट पर अपनी बहू मदलसा शर्मा एके काव्या से मिलने पहुंचे थे। वहीं इनकी पिक्चर्स देखकर सभी सोच में पड़ गए थे कि शायद अपकमिंग एपिसोड्स में हमें मिथुन दा भी देखने को मिल पाएंगे। हम आपको बता दें, ऐसा नहीं है। मिथुन चक्रवर्ती सिर्फ अनुपमा के सेट पर अपनी बहू से मिलने पहुंचे थे और वहीं मिथुन चक्रवर्ती अपने टाइम की को स्टार रूपाली गांगुली के साथ बिताए पुरानी यादों को ताजा करते भी दिखे। रूपाली गांगुली, जिन्हें हम अनुपमा के रोल में देखते हैं, उन्होंने 90 के दशक में डिस्को डांसर मिथुन चक्रवर्ती के साथ काम किया था। दोनों को एक दूसरे के ऑपोजिट फिल्म अंगारा में देखा गया था एक साथ रोमांस करते हुए। ये फिल्म 1996 में रिलीज हुई थी और रूपाली के फादर अनिल गांगुली ने इसे डायरेक्ट किया था। रूपाली ने एक बार DID के सेट पर बताया था कि मिथुन चक्रवर्ती उन्हें डफर बुलाते थे और वो कहते थे कि वो एक्टिंग को लेकर बिल्कुल सीरियस नहीं है। लेकिन सालों बाद अब जब मिथुन चक्रवर्ती ने रूपाली को एज अनुपमा देखा तो उनसे काफी इम्प्रेस होकर वो अनुपमा के सेट पर पहुंचे और रूपाली को बताया कि वो उनकी एक्टिंग से काफी इम्प्रेस हुए हैं और रूपाली का ये रोल उन्हें काफी पसंद आया है। इसी के साथ मिथुन चक्रवर्ती ने सभी कास्ट मेंबर्स इंक्लूडिंग उनकी डॉटर इन लॉ से मुलाकात की और सभी को वेल विशेस भी दी।